हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 19 में आगे के आंकिक प्रश्नों को एक एक करके हल किया जाता है। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। नंबर एक, ये दो कुंडलियां हैं, मान लीजिए एक्स वाई, इनकी त्रिज्या आर, फेरों की संख्या एन व कुंडली में प्रवाहित धाराएं, यहाँ प्रश्नानुसार दी गई हैं। मान लीजिए यक्ष कुंडली में फेरों की संख्या 16 और वाई कुंडली में फेरों की संख्या 10, सॉरी त्रिज्या, यक्ष कुंडली की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर और वाई की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यक्ष कुंडली में फेरों की संख्या 20 जबकि वाई कुंडली में फेरों की संख्या 25, यक्ष कुंडली में बहने वाली धारा मान लीजिए 16 एम्पियर और वाई कुंडली में बहने वाली धारा 18 एम्पियर है, इन दोनों कुंडलियों के केंद्र पर, ठीक, ये दोनों की कुंडलियाँ एक ही केंद्र पर हैं, तो इनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र मान लीजिए ओ पर है, ओ पर बी या बी ओ जिसको हम कहेंगे, बी ओ, ठीक, यही हमको ज्ञात करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर दैट इज ओ। तो आइए यहाँ देखते हैं, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पॉइंट ओ पर कुंडली का केंद्र है, कुंडलियाँ ऐसे हैं, इसको ज़रा सा फिर से मिटाते हैं, हम फिगर साफ बनाने के लिए थोड़ा सा दूसरे ढंग से करना पड़ेगा, ऐसे ये देखिए, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सेंटर ऑफ कॉइल, सपोज कीजिए ये यक्ष कुंडली है और यह है वाई कुंडली है, पूरब की ओर से देखने पर इसमें यक्ष कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज पामवर्त दिशा में ऐसे बह रही है धारा, और वाई कुंडली में धारा यक्ष के विपरीत दक्षिणावर्त बह रही, ऐसे बह रही है, ऐसे, ठीक। तो यहाँ केंद्र ओ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, आप देखिए ऐसे ये केंद्र ओ है, तो यह फैली हुई अंगुलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उधर,
और ये अंगूठा चालक में धारा की दिशा, देखिए यक्ष कुंडली में धारा की दिशा ऐसे है ऊपर की ओर, तो हथेली के लंबवत धक्का किधर देंगे, पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में। तो जो बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा इस यक्ष के कारण, वीयक्ष जिसको कहेंगे, उसकी दिशा होगी पश्चिम की ओर, यह वीयक्ष दिशा। ठीक इसी प्रकार कुंडली वाई के कारण अब दिशा विपरीत है धारा की, तो ये पूरब की ओर होगी, इधर बी वाई। ठीक वाई कुंडली के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बी वाई पूरब की ओर होगा। समझ रहे हैं? नहीं, देखिए हम केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र चाह रहे हैं, फैली हुई अंगुलियां ओ की ओर, अंगूठा देखिए कुंडली यक्ष में धारा ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर, तो हथेली के लंबवत धक्का दे रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो यक्ष कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी यक्ष पश्चिम की ओर, वाई के कारण बी वाई पूरब की ओर, क्योंकि बी वाई यक्ष के विपरीत दिशा में धारा बह रही। ठीक तो आइए कुंडली यक्ष या यक्ष कुंडली के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इसको हम वीएक्स कह दें इक्वल म्यू जीरो एन आई अपान टू ए, म्यू जीरो एन आई अपान टू ए। इसको हम वन वन कह दें, वन 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 दिशा वेस्ट की ओर, ठीक। अब इसका मान निकालिए म्यू जीरो का मान 4π × 10^7 गुड़े यन फेरों की संख्या 20 गुड़े आई 16 बटे 2a 2 × a मतलब त्रिज्या 16 सेंटीमीटर माने 10^2। ठीक इस ढंग से देखिए 16 × 16 16 × 16 2 × 2 2 × 20 ये 10^2 10^7 को काटेगा तो यहाँ 10^5 आएगा। इसको हल करने पर लास्ट में उत्तर मिला आपको 4π × 10^7। देखिए 10^5 × 10 तो 10 माने 10^(1), 5 × 1 माने 4 टेस्ला, ये बी एक्स हो गया। इसको हम समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार वाई कुंडली के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, वाई कुंडली के कारण केंद्र ओ पर क्षेत्र इसको हम बी वाई कह दें,
इक्वल म्यू जीरो एन आई बटे दो ए, यहाँ एन की जगह एन टू आई टू ए टू कह दें, सभी मान रखें। इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा चूंकि धारा की दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत हो गई, पश्चिम है तो पूरब की ओर, यहाँ लिखें ई की ओर, ई माने ईस्ट, पूरब की ओर, सभी मान रखिए। म्यू जीरो मतलब चार पाई गुणे दस की घात ऋण सात, एन टू का मतलब पच्चीस गुणे आई टू का मतलब अट्ठारह बटे दो गुणे त्रिज्या ए टू का मतलब दस गुणे दस की घात ऋण दो। इसको हल किया जाए, ये देखिए पाँच दूना दस, पाँच पचे पच्चीस, ये दस की घात ऋण दो, दस की घात ऋण सात को काटेगा तो दस की घात ऋण पाँच आ जाएगा। ये देखिए दो दूना चार, ये चार को काट दिया तो ये आ गया अट्ठारह पचे नब्बे पाई, नब्बे पाई गुणे दस की घात ऋण पाँच, इसको लिखेंगे नौ पाई गुणे दस की घात ऋण चार टेस्ला, ठीक। इसको हम समीकरण दो कह दें। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, आप देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण दो का मान BY का मान ज़्यादा है, दिशा विपरीत है तो घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो BY ज़्यादा है तो BY माइनस BX, तो दिशा BY के अनुसार किधर दिशा है, पूर्व की ओर, यहाँ लिखेंगे ई की ओर अर्थात पूर्व की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी। मान रखिए बी वाई का नौ पाई गुणे दस की घात ऋण चार, बी एक्स का मान चार पाई गुणे दस की घात ऋण चार, ये दस की घात ऋण चार तो कॉमन हो जाएगा, ये नौ पाई से चार पाई घटेगा तो पाँच पाई आ जाएगा, पाँच पाई गुणे दस की घात ऋण चार टेस्ला, ये उत्तर आ गया। दिशा किधर है, ई की ओर, क्लियर। अब न्यूमेरिकल नंबर दो, दूसरा न्यूमेरिकल है, हमारे पास दस सेंटीमीटर लंबा दस की घात ऋण तीन वर्ग मीटर क्षेत्रफल के क्षेत्र में 100 गास का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। देखिए 10 सेंटीमीटर ये लंबाई है और 10 की घात ऋण 3 वर्ग मीटर यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र बी 100 गास मतलब 100 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। इसके लिए हमें एक तार से एक प्रणालिका डिजाइन करनी है, बनानी है, जिस तार में अधिकतम धारा आई मैक्स पंद्रह एम्पियर
वह तार में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन मैक्स 1000 है। फिर से सुन लें, एक प्रणालिका हमको डिजाइन करना है, बनाना है, जिसके केंद्र पर ये 100 गास अर्थात 10^-2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। जिस तार से हमको प्रणालिका डिजाइन करना है उसमें अधिकतम धारा 15 एम्पीयर और अधिकतम फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई में 1000 होनी चाहिए। तो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल μ0 एन आई, यहाँ से हमको एन आई मिलेगा बी अपान μ0। बी का मान 10^-2 टेस्ला और μ0 का मान 4π×10^7। ये हल किए तो 10^-2 10^7 को काटा तो 10^5 आया और ये ऊपर गया 10^-5 हो गया और बटे 4π 4×3.14। इसको जब हल किया गया तो ये आ गया 4×4=16 हंसी लेख 4×1=4=15 और ये 4×3=12। अब ये 10^5 को हम लिख दे रहे हैं 100×10^3 तो 12×8=96 तो लगभग ये 8000 आ रहा है एन आई का मान। तो एन आई का मान 8000 आया। तो यदि हम आई बराबर 10 एम्पीयर लें, देखिए महत्तम धारा हम 15 एम्पीयर तक ले सकते हैं, उसके भीतर कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि आई 10 एम्पीयर लें तो हमारा एन कितना हो जाएगा, एन आई बराबर 8000, तो एन बराबर 8000/10 माने 800, ठीक, तो एन बराबर 800। तो हम चूंकि पढ़े हैं एन इक्वल प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या, एन इक्वल एन अपान एन, यह मान 800 आना चाहिए। 800 कब आएगा, जब ये जो भाग दे रहे हैं ये छोटा हो जाए एक से, हम इसको 0.5 ले लें, 50 सेंटीमीटर जिसको कह रहे हैं, तो एन की जगह 400, तब ये आपका 800 आ जाएगा। अर्थात ये जो अपना तार है उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर हो और उसमें फेरों की संख्या एन 400 हो, ठीक, तो हम वह प्रणालिका डिजाइन कर सकते हैं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए 10^3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ फेरों की संख्या जहाँ 1000 चाहिए वहाँ हम 800 ले रहे हैं, ठीक, इसका मतलब जब फेरों की संख्या घट गई तार मोटा हो सकता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10^3 वर्ग मीटर से अधिक हो सकता है। इस प्रकार हम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अनुमान विधि से और भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रणालिका आप इस ढंग से डिजाइन करेंगे। 50 सेंटीमीटर लंबा तार लेंगे और उसके ऊपर 400 ठीक फेरे लपेट देंगे, प्रणालिका बन जाएगी। अब आइए आज का तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। एक हेल्महोल्ट्ज गैल्वानोमीटर है जिसमें दो
समाक्ष व बराबर त्रिज्या की कुंडलियां हैं जिनके बीच की दूरी उस त्रिज्या के बराबर है जो कि बहुत छोटी ली गई है। मान ले रहे हैं त्रिज्या ए है तो कुंडलियों के बीच की दूरी ए है, तो इस अक्ष पर मध्य बिंदु पर माने ए बाई टू दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.72 म्यू जीरो या नाई बटे ए होना चाहिए। ये आपको निकालना है, दिखाना है, दर्शाना है। ये तीसरा सवाल है। ये तीसरा न्यूमेरिकल हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर में समाक्ष कुंडलियां हैं जिनकी त्रिज्या समान है, धारा एक ही दिशा में बह रही है, उनके अक्ष के अच्छा कुंडलियों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर है, अति सूक्ष्म दूरी पर है, तो उनके मध्य बिंदु अर्थात ए बाई टू पर मध्य बिंदु अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल 0.72 म्यू जीरो एन आई अपान ए, ये होता है। इसी बात को आपको दिखाना है। फिर से प्रश्न सुन लें। हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर में ये दो समान त्रिज्या की समाक्ष कुंडलियां हैं जिनके बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म उसी त्रिज्या ए के बराबर है, जिनमें एक ही दिशा में समान धारा बह रही है, तो उनके अक्ष पर मध्य बिंदु पर अर्थात ए बाई टू दूरी पर ये चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0.72 म्यू जीरो या नाई बटे ए होता है। यही आपको दिखाना है। तो आइए, चूंकि हम जानते हैं बी बराबर म्यू जीरो एन आई
ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ये होता है समीकरण एक। हम यक्स के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू यक्स। भैया यक्स के अलावा जितने भी हैं सब कांस्टेंट हैं, उनको बाहर लेंगे तो आएगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू, ये बाहर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ यह ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं विद रेस्पेक्ट टू यक्स। यही बराबर आया म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू। अब ये अवकलन देखिए, यक्स की घात एन का अवकलन आप पढ़े हैं, घात का गुणा करते हैं और एक घात माइनस कर देते हैं, एन यक्स पावर एन माइनस वन। तो भाई ये घात का गुणा हुआ, घात है ऋण तीन बटे दो, गुणा हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की घात माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, तो हो गया माइनस फाइव बाई टू इंटू, ये ए तो कांस्टेंट है, प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का अवकलन टू यक्स, ये आ गया। ये फिर से समझ लें, यक्स की घात एन का अवकलन, घात का गुणा किए और एक घात माइनस किए, एन माइनस वन, तो एन माने माइनस थ्री अपान टू माइनस वन, तो माइनस फाइव और अपान टू आ गया इंटू, ए तो कांस्टेंट है जीरो और प्लस यक्स स्क्वायर का टू यक्स। ठीक, अब देखिए ये हो गया म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपान टू। यहाँ देखिए ये टू कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री को भी बाहर कर दिए तो ये हो गया माइनस थ्री, तब यहाँ आ गया यक्स ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर माइनस फाइव बाई टू। देखिए जीरो में टू एक्स जोड़ेंगे टू एक्स आएगा, दो को दो से काट देंगे ये माइनस थ्री एक्स आएगा, माइनस थ्री को बाहर ले लेंगे शेष वैसे हो गया। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये समीकरण दो आ गया। इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे लिख दें माइनस थ्री म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ यक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर फाइव माइनस फाइव बाई टू विद रेस्पेक्ट टू यक्स। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव जीरो का मतलब हुआ ये जो कांस्टेंट का गुणा किए हैं ये जीरो हो गया, तो आ गया डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर माइनस फाइव बाई टू विद रेस्पेक्ट टू यक्स इक्वल जीरो। आइए अब इसका अवकलन करते हैं। देखिए ये दो फलनों के गुणा का अवकलन है, तो पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन, पहला फलन है यक्स तो यक्स का अवकलन एक होता है गुणे दूसरा फलन, ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर माइनस फाइव बाई टू, तो पहला फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन धन, पहला फलन यक्स गुणे दूसरे का अवकलन। फिर इसका अवकलन कीजिए
अभी यक्ष पावर यन का आकलन आप सुने थे, घात का गुणा करते हैं तो यहाँ घात है माइनस फाइव बाई टू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक घात माइनस कर देते हैं, माइनस फाइव अपान टू माइनस वन तो हो गया माइनस सेवन अपान टू इंटू ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आकलन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का आकलन टू एक्स, ये आ गया। इक्वल जीरो, फिर से देख लें, यक्स का अवकलन एक गुड़े ये दूसरा फलन पूरा ब्रैकेट धन, पहला फलन यक्स गुड़े दूसरे का अवकलन, तो यक्स गुड़े, अब यक्स घाते यन का अवकलन अभी अभी बताए, घात का गुणा करेंगे तो माइनस फाइव अपॉन टू का गुणा हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात माइनस वन कर दिए तो माइनस फाइव अपॉन टू माइनस वन, तो ये माइनस सेवन अपॉन टू हो गए, इंटू ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है इसका अवकलन जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए भी थे, क्लियर, तो ये आ गया। अब आप देखिए जरा, यहाँ भी जीरो में टू एक्स जोड़ेंगे टू एक्स आएगा, टू को इस टू से काट देंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर देखिए माइनस फाइव अपान टू, और यहाँ माइनस में प्लस का गुणा हुआ माइनस फाइव, एक्स में एक्स का गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू इक्वल जीरो। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू ये कॉमन ले लिए, ये देखिए माइनस फाइव अपान टू ये जो देख रहे हैं इसको हम लिखेंगे वन माइनस माइनस वन माइनस फाइव अपान टू माइनस टू माइनस फाइव, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू कर गया। ध्यान दीजिए इसकी जगह कैसे लिखे हैं, ये माइनस फाइव अपान टू है तो इसकी जगह ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस फाइव अपान टू, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू की जगह ये हुआ, तो देखो कैसे लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ये माइनस सेवन अपान टू, ऐसे आप देखिए इसकी घात एक है, लिखी नहीं गई घात एक लिखी नहीं गई, तो ये देखो आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वन प्लस माइनस सेवन अपान टू, प्लस में माइनस का गुणा माइनस, तो वन माइनस सेवन अपान टू माने माइनस फाइव अपान टू आ जाएगा, ठीक, तो हम ऐसे यक्स की पावर माइनस फाइव अपान टू को जैसे इसकी जगह है हम इतना लिख दिए, तो वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन अपान टू को हम कॉमन ले लिए तो इतना बच गया अंदर, ठीक, यह चीज़ आप लिख लीजिए, इसको लिखे हैं ऐसे, फिर से समझ लें, इसकी जगह पर ये लिखा जाए, कैसे लिखा गया देखिए, आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ेगी, तो वन प्लस माइनस सेवन पॉइंट टू, प्लस में माइनस का गुणा माइनस, वन माइनस सेवन पॉइंट टू माने माइनस फाइव पॉइंट टू आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस सेवन पॉइंट टू यहाँ भी है यहाँ भी है कॉमन ले ली, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बच गया, तो आइए जीरो का मतलब हुआ या तो पहला पद जीरो या ब्रैकेट जीरो, तो पहला पद तो जीरो होगा नहीं, ये ब्रैकेट जीरो कर दिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, अथवा ये देखिए ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो इससे आपको मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इक्वल प्लस माइनस ए अपान टू। देखिए चार का गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो गया, ए स्क्वायर अपान फोर, वर्गमूल ले लिए तो ए अपान टू, प्लस माइनस दोनों चिन्ह होंगे। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि कुंडली के बाएं भी और कुंडली के दाएं भी दोनों जगह ए अपान टू दूरी पर ये ऐसा होगा, ठीक। तो इस ए अपान टू दूरी पर जरा इस बी का मान निकालिए, इसलिए कि बी एट ए बाई टू, बी एट ए बाई टू तो कितना आएगा, देखिए म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपान टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू, ठीक। अपने इस सूत्र में एक्स स्क्वायर का मान रख दिए ए स्क्वायर बाई फोर, ये देखिए कितना आ गया, चार इकन्नम चार और एक पाँच, पाँच बटे चार, ये इधर आया देखिए दो गुणे पाँच बटे चार ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और ऊपर आ गया म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर। तो ये आ गया है आपका म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर इंटू टू इंटू फाइव अपान फोर ए स्क्वायर इंटू फाइव अपान फोर ए स्क्वायर अंडर रूट, जैसे पावर थ्री बाई टू माने पावर डेढ़, डेढ़ माने एक और आधा, एक पावर या आधा पावर माने अंडर रूट, तो ये आ गया। तो देखिए ए स्क्वायर से कट गया, दो इक्नम दो, दो दूना चार कट गया, ठीक। ये आया म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई अपन नीचे आया देखिए फाइव अपान टू इंटू, ये देखिए ए स्क्वायर अपान फोर को वर्गमूल के बाहर लेंगे तो ए अपान टू आएगा इंटू रूट फाइव, ठीक। इसको हल किया गया तो देखिए दो दूना चार ये ऊपर गया फोर आ गया, और नीचे फाइव रूट फाइव ये आ गया इंटू ऊपर आया म्यू जीरो एन आई अपान ए, ये आया। अब देखिए ये रूट फाइव का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो यहाँ रूट फाइव इंटू रूट फाइव करेंगे फाइव आएगा, तो पाँच पचे पच्चीस आ जाएगा, और ऊपर फोर रूट फाइव आ जाएगा। ये म्यू जीरो एन आई अपान ए आएगा, ये आया। और ये फोर रूट फाइव, और रूट फाइव की वैल्यू 2.3 के इर्द गिर्द होती है, रूट फाइव की वैल्यू 2.3 के इर्द गिर्द होती है, तो इसको जब हम लिखें तो ये हो गया 2.3 अपॉन 25 इंटू म्यू जीरो एन आई अपॉन ए।
20, 84, 392 यह आएगा 9.2, ये 2.3 आया, 2.3 का गुणा 4 में करेंगे तो 9.2/25, ठीक। इसी को जब हम हल करते हैं तो 0.72 म्यू जीरो एन आई अपान ए आता है। इसी को हल करने पर 0.72 म्यू जीरो एन आई अपान ए आता है। इसी का उपयोग हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर में किया जाता है। इसको जरा गुणा भाग आप फिर से कर लीजिएगा। चलिए आइए इसका अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक टोराइड है जिसकी आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। इसमें 11 एम्पियर की धारा बह रही है। मान लीजिए 3400 फेरे हैं तो टोराइड के क्रोड के अंदर बाहर व भीतर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, टोराइड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसमें फेरों की संख्या 3400 है मान लीजिए और इसमें प्रवाहित धारा आई 11 एम्पियर है। तो आपको क्रोड के भीतर ए क्रोड के भीतर बी बाहर व सी भीतर रिक्त स्थान में अंदर न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए चूंकि त्रिज्या आर बराबर R1 + R2/2 25 × 26/2 बराबर 25.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्रोड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ये पहला वाला क्वेश्चन है। ए बी इक्वल म्यू जीरो एन आई म्यू जीरो कैपिटल एन अपान एल इंटू आई
दिस इक्वल म्यू जीरो मीन्स 4π × 10⁻⁷। ये हो गया म्यू जीरो एन आई अपान एन माने 2 π r। तो 4π × 10⁻⁷ गुड़े एन फेरों की संख्या मान लीजिए 3400 गुड़े आई 11 एम्पियर बटे 2 π r 25.5 सेंटीमीटर माने 10⁻²। ठीक, तो इस ढंग से देखिए 2π × 4π ये 10⁻², ये 10⁻⁵। इसको 35 ले लें, 3500, तो यहाँ ये 3500 हो गया। तो 35 × 70 7000 हो गया ना, और 7000 में 11 का गुणा हुआ 77000 हो गया। हजार माने 10³, तो ये 10⁻²² हो गया। और बटे 25.5 देखिए, ये 35 × 70 7000 हुआ, 11 × 7 = 77000 हुआ। 77000 माने 10³, तो ये 10³² बचा, बटे नीचे 25.5। ठीक, ये हो गया 25 × 3 = 75, तो लगभग 3 × 10⁻²² टेस्ला, ये कर दी। बाहर वह रिक्त स्थान में B = 0, बाहर और रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये आपको जब सिद्ध कर रहे थे, टोराइड पढ़ा रहे थे, तो वहाँ बताए थे। चलिए इसके आगे का न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज है, उसे 2 kV द्वारा त्वरित किया गया है और 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया गया ना, प्रवेश कराया गया मान लीजिए, तो पथ की त्रिज्या बतानी है। ये सवाल नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन पुंज का विभवांतर V = दिया है 2 kV, अर्थात 2 × 10³⁾ V। चुंबकीय क्षेत्र B दिया गया है 0.15 टेस्ला। ठीक, तो आपको पथ की त्रिज्या R बतानी है, कब? नंबर 1, जब क्षेत्र के लंबवत, और नंबर 2, 30° के कोण पर। ठीक, जब 30° के कोण पर जाए तब चुंबकीय क्षेत्र बताना है, पथ की त्रिज्या, और जब लंबवत हो तब पथ की त्रिज्या बतानी। तो हम तो पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत जब आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है और धनावेशित कण है
तो वह वामावर्त दिशा में, और वह अगर इलेक्ट्रॉन है तो दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है। और जिसके पथ की त्रिज्या है ये आर बराबर होती है अंडर रूट ट्वाइस एम वी बाई क्यू वी, सॉरी Q इंटू बी, ट्वाइस एम इंटू के, के मतलब क्यू बी, ये पथ की त्रिज्या होती है R इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे लिखिए R इक्वल एम वी बटे क्यू वी, ये सूत्र हमको याद है। और इसको जब हल करते हैं तो ये अंडर रूट ट्वाइस एम के आता है बाई क्यू वी, जहाँ के गतिज ऊर्जा है, क्यू वी तो ये वन अपान बी को बाहर कर लिए, ठीक, ये आता है ट्वाइस एम वी बाई क्यू, ये फार्मूला लगता है वन अपान वी अंडर रूट ट्वाइस एम वी बाई क्यू। इसी फार्मूले को लगाइए तो आर बराबर वन अपान बी की जगह 0.15 टेस्ला इंटू अंडर रूट ट्वाइस यम की जगह 9×10⁻³¹ इंटू वी की जगह 2 किलो, किलो मतलब 10³ वोल्ट बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹। उन्नीस 10^12 यहाँ आएगा, देखिए 19 और 12 31 होता है 10^12। और 12 से ये 9 घटाए तो 10^9 आ गया, 10^9। फिर से देख लीजिए 19 31 घटाए 10^12 आया, 10^12 और 3 को हल किए 10^9 आ गया, ठीक। ये देखिए 1.6 आया 0.15 इंटू अंडर रूट 1.6 को 16×10⁻¹ लिखेंगे। और ये देखिए 2×9×10⁻¹ आ गया, इसको हल किए तो ये 8 आ गया। अब इसको हल किया जाए 16 का वर्गमूल तो 4 आया, 9 का वर्गमूल 3 आया, 10^8 का वर्गमूल 10^4 आ गया, और यहाँ 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 आ गया। और इंटू 0.15 आ गया, इसको जब हल किया गया तो 15×60 0.6 आ गया 15×60 से। और ऊपर 3 करणी में 2×10⁻¹ आया, 3×9 3×3×6 0.2 आ गया,
ठीक, दशमलव दो, दस की घात एक आएगा तो आ गया कैणी में दो बटे दो, कैणी में दो बटे दो गुणे दस की घात ऋण तीन, दस की घात ऋण एक आएगा, दस की घात ऋण चार, दस की घात ऋण तीन, ये आ जाएगा दशमलव सात जीरो सात। कैणी में दो कमान एक दशमलव चार एक चार आता है, ठीक, तो दशमलव सात जीरो सात आ गया गुणे दस की घात ऋण तीन आ गया। तो ये पथ की त्रिज्या आ गई या दशमलव सात मिलीमीटर इसको कह सकते हैं ना। तो ये आ गया या दशमलव सात मिलीमीटर, ये पथ की त्रिज्या आ गई। और तीस अंश के कोण पर बी वाला देखिए, आर बराबर वही यम वी साइन तीस अंश और बटे क्यू बी, तो माने साइन तीस अंश का मान एक बटे दो गुणे यम बी बटे क्यू बी, तो इसी का आधा दशमलव सात जीरो सात का आधा दशमलव दो तिहाई छः, दो पचे दस, दो तिहाई छः गुणे दस की घात ऋण तीन या दशमलव तीन मिली मीटर, इस ढंग से आ गया। ठीक, तो इस ढंग से आपका ये एक सवाल हुआ। चलिए आगे एक और न्यूमेरिकल कीजिए, ये हेल्महोल्ट्ज़ टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर है, हेल्महोल्ट्ज़ स्पर्श धारामापी, उसके द्वारा हमने दशमलव सात पाँच टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और एक आयन पुंज को 15 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट बटे मीटर का एक वैद्युत क्षेत्र लगाया। आयन पुंज इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत प्रवेश करता है तो आपको ये बताना है कि आखिर वह आयन कौन सा है। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स आज का, हेल्महोल्ट्ज़ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया 0.75 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसी के लंबवत वैद्युत क्षेत्र 9×10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब एक आयन पुंज को 15 किलो वोल्ट 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत उसे प्रवेश कराया गया। ठीक, दोनों क्षेत्रों के लंबवत प्रवेश कराया गया तो अविक्षेप की स्थिति में उस आयन पुंज की पहचान करनी है। आयन पुंज की पहचान, आइए करते हैं। अविक्षेप स्थिति में
वैद्युत बल क्यू ई बराबर चुंबकीय बल क्यू वी बी, यहाँ से वी इक्वल ई अपान बी। समीकरण एक, देखिए क्यू को क्यू से काट दिए, वी इक्वल ई अपान वी आ गया। पुनः गतिज ऊर्जा के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल क्यू वी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वेग वी बराबर ट्वाइस क्यू वी बाई एम। वेग वी इक्वल, देखिए दो का भाग है पक्षांतर की, ट्वाइस क्यू वी बाई एम, ये अंडर रूट, ये समीकरण दो हो गए। समीकरण एक व दो की तुलना करने पर ई अपान वी इक्वल अंडर रूट टू क्यू वी वाई एम, यहाँ से हमको क्यू वाई एम चाहिए, क्यू वाई एम इक्वल। सबसे पहले तो अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ टू बी का गुणा है पक्षांतर कर देंगे, इंटू वन अपान टू बी। तो इस ढंग से q बाई एम का मान आया ई स्क्वायर, मतलब 9×10^5 9×10^5 अपान बी स्क्वायर का मतलब 0.75×0.75 2 इंटू वी का मतलब 15×10^3। ये हो गया, ये 75/100 × 75/100 × 15×30×10^3 ऊपर हो गया 9×9×10^5 5×5 10। ये 25 × 75 25 × 100 25 × 75 25 × 100 3×3 3×3 9 3×3 9 3×3 9 कट गया। फिर 3×3 9 3×2 30 कुल मिला करके ये आपका आया 10×10^3 10^4 हो गया। देखिए 10×10^3 10^4। और यहाँ ये जो नीचे सबसे हैं 4×4 ये उलट कर ऊपर चले गए, ये हो गया 4×4 ये 3 बचा हुआ है 10^10। ये 10^10 कटकर 10^6 आ गया, 4×16 = 48। इसका उत्तर आया 4.8। देखिए 4×16 = 48 आया, तो 4.8 छोटा किए तो इसको बड़ा कर दिए 10^7। तो क्यू बाई एम का मान निकालने से एक अनुमान लगा कि आपका यह कण क्यू बाई एम का मान निकाले तो आया 4.8×10^7 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये
ड्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है या लिथियम ट्रिपल पॉजिटिव हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। माने इसकी सहायता से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ड्यूट्रॉन ही है या अल्फा पार्टिकल है, ठीक, माने इनमें से कोई एक हो सकता है, ऐसा आप बता सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, 7 नंबर। ये खंभों के बीच तार तना है जिसमें पूरब से पश्चिम की ओर 90 एम्पियर की धारा बह रही है। आई 90 एम्पियर, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक। तो तार के नीचे 1.5 मीटर, तार के 1.5 मीटर नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बताइए। दूरी आर 1.5 मीटर, ठीक। तो हम तो पढ़े हैं कि लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर μ0/2πI/R, ठीक। अब आप देखिए दिशा बताने के लिए, ये देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, साउथ है। अब देखिए धारा की दिशा ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। हम अपनी हथेली को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली, कि अंगूठा धारा की दिशा देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, हथेली के लंबवत धक्का किधर दे रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगी, एन टू यस, क्लियर है। अब आइए मान रखिए आ जाएगा μ0/2πI का मान 2×10^7, आई का मान 90 एम्पियर, आर का मान 1.5 मीटर। पंद्रह छक्का 90, ये 6×12 × 10^7, ये 10^7 ऋण 1 है और ऋण 7 है तो ऋण 6 हो गया, इतना टेस्ला। दिशा किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये हो गया। थैंक्स।